हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। कोऑपरेटिव बैंक बेस्ट 25 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फ्रेंड्स, क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक के लिए अंडर अवर प्रोफेशनल्स, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप करिए और पूरी की पूरी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, उस बैंक का नाम बताइए जिसे लघु वित्त बैंक यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB में परिवर्तित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों और SME क्या होता है यानी कि छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों को घर पर लघु ऋण प्रदान करना है। ऑप्शंस आपके सामने है कौन सा बैंक की यहाँ पर बात की गई है, तो जल्दी से आप सोच सकते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शंस नंबर 3। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय रिजर्व बैंक में सरकार द्वारा कितने डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चंस हाईलाइटेड हुआ है आपके एग्जाम में, चाहे मैं सेंट्रल लेवल के एग्जाम की बात करूं या फिर HPPSC शिमला बोर्ड के एग्जाम की बात करूं। ठीक है, तो जल्दी से सोचिए। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शंस नंबर 3 यानी कि 4 गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बैंक शाखाएं बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के अंतर्गत स्थापित की जाती हैं। इंग्लिश में रीड करूंगा, बैंक ब्रांचेस आर एस्टेब्लिश्ड अंडर डैश ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है क्योंकि बहुत ही बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। सेक्शंस की यहाँ पर बात की गई है, सेक्शंस नंबर 23 यानी कि ऑप्शंस नंबर 4। ये सेक्शंस नंबर 23 आप याद रख लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में भी ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है। दोस्तों जब भी हम बैंकों की फुल फॉर्म की बात करते हैं या फिर टैगलाइन की बात करते हैं, सभी बैंकों के बारे में आप अच्छे से रीड करके चले जाना, टैगलाइन आपको एग्जाम में जरूर आएगी, फुल फॉर्म आपके एग्जाम में जरूर आएगी। ठीक है, तो ICICI बैंक का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शंस नंबर 1 यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड की पहल का क्या नाम है जिसने केंद्रीय बैंक के अन्य कार्यों के बीच पर्यवेक्षण और विनियमन में सुधार के लिए 3 साल के रोडमैप को अंतिम रूप दिया है। दोस्तों यहाँ पर क्या बात हुई है कि भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड की पहल का नाम यानी कि स्कीम का नाम यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों तो ये जितने भी RBI से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्जाम में बनेंगे। दोस्तों हर एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों जब भी हम इस क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आपको याद रखना है उत्कर्ष 2022। ठीक है, 3 साल के रोडमैप को अंतिम रूप दिया गया है उत्कर्ष 2022। ठीक है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड की पहल का नाम है उत्कर्ष 2022। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, शब्द मूल रूप से प्रचलन में धन की मात्रा में वृद्धि को दर्शाता है यानी कि द टर्म ओरिजिनली रेफर्स टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशंस। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों इन्फ्लेशंस। ठीक है, मुद्रास्फीति। फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशंस हुआ, डिफ्लेशंस हुआ। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस घुमा फिरा के बनते हैं। रेपो रेट हुआ, रिवर्स रेपो रेट हुआ। ठीक है, हमने वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल करवाई थी, देख लेना वीडियो सेक्शंस में जाके। आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और कुछ और भी लेक्चर्स कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थे, जो थ्योरेटिकल थे, वो भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो उनको भी आप अटेंड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस चलिए देखते हैं। यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक कब निगमित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर आपने बताना है इसका बिल्कुल सही आंसर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 17 अगस्त 2016 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इनकॉर्पोरेटेड यानी कि निगमित किया गया था। याद रखना है 17 अगस्त 2016, रट लीजिए इस क्वेश्चंस को, एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
सेबी के अनुसार कितने दिनों में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को बैंकों सहित वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर ब्याज या मूलधन के भुगतान के किसी भी डिफॉल्ट का खुलासा करना होगा। यहाँ पर टाइम पीरियड की बात की गई है अकॉर्डिंग टू सेबी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, 30 डेज में खुलासा करना होगा यानी कि बताना होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेबी। क्वेश्चंस क्या था कि जितने भी डिफॉल्टर्स हैं, ठीक है, उनका जो भी ऋण और ब्याज, ठीक है, वो सारी डिटेल्स का खुलासा करना होगा विद इन 30 डेज अकॉर्डिंग टू सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक में कर्मचारियों का कार्यकारी समय व्यावसायिक समय से 15 मिनट पहले शुरू होना चाहिए, यह सिफारिश किस समिति द्वारा दी गई थी। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं तो बहुत बार ये क्वेश्चंस आपके IBPS एग्ज़ाम हुए या फिर PO जैसे एग्ज़ाम हुए वहां पर ये क्वेश्चंस पूछा गया है, तो ये याद रखना है क्योंकि यहां पर कमेटी की बात हुई है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा गोईपोरिया समिति, ऑप्शंस नंबर 1, ठीक है, गोईपोरिया समिति यानी कि कमेटी के अनुसार दोस्तों बैंक कर्मचारियों का जो समय है वो व्यावसायिक समय से 15 मिनट पहले शुरू होना चाहिए, ठीक है, ये सिफारिश किस कमेटी द्वारा दी गई थी, तो याद रखना गोईपोरिया कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को नियंत्रित करता है। किसी का भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों जब मैं इस क्वेश्चंस की बात करता हूँ, चाहे मैं आपकी सेबी की बात करूँ, RBI की बात करूँ, नबार्ड की बात करूँ, ट्राई की बात करूँ, IRDAI की बात करूँ, दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस 100% होंगे क्योंकि इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस, और जब भी आप ऑफिशियल वर्क में जाओगे तो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, तो इनके बारे में जरूर रिसर्च करके रीड कर लेना और किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सएप कर देना। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सेबी, ठीक है। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कौन कंट्रोल करता है, सेबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रत्येक वर्ष संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है यानी कि इकोनॉमिक सर्वे इन द पार्लियामेंट एवरी ईयर्स, ठीक है, कौन प्रस्तुत करता है। दोस्तों जल्दी से सोच सकते हैं आपका इसका सही आंसर क्या होगा, द राइट आंसर इज फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, बैंकिंग क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किसी का भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों जब मैं ये कहता हूँ कि किसी का क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए तो वो वाकई में गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि उस क्वेश्चंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस, आप कितना पढ़ रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है। चलिए जल्दी से सोचिए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 0 hours यानी कि शून्यकाल, ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में इस शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, पार्लियामेंट में किया जाता है, ठीक है, और ये बाकी किए जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अंतरिम बजट को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों अंतरिम बजट आप सभी ने देखा है, सुना है, पढ़ा है अंतरिम बजट के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों क्या इसको मिनी बजट कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। क्या इसको वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शंस नंबर 3 यानी कि 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो अंतरिम बजट को और किन नामों से जाना जाता है, मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों हाइलाइटेड क्वेश्चंस, बहुत बार ये चर्चा में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा और इसके मेंबर्स की जब भी हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है, इसके ये मेंबर्स हैं और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो बांग्लादेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस कंपनी के डिवेंचर धारक इसके हैं। दोस्तों यहाँ पर डिवेंचर्स होल्डर ऑफ अ कंपनी आर इट्स कौन से होते हैं, जल्दी से आप सोचिए। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार, ठीक है, ये याद रखना है आपको।
लेनदार डिवेंचर्स होल्डर ऑफ अ कंपनी आर, ठीक है, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, EFT का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। दोस्तों इसकी PDF फाइल आपको कैसे मिलेगी, आपने क्या करना है, आपने WhatsApp करना है और WhatsApp पे आपको क्या लिखना है, कोऑपरेटिव बैंक बेस्ट 25 लेक्चर 2, ठीक है, या तो फिर आप इतना लिखिए कोऑपरेटिव बैंक 2, ठीक है। आपने क्या लिखना है PDF लेने के लिए, आपने लिखना है को बैंक 2, सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है, और आपको इसकी PDF फाइल रिलीज कर दी जाएगी। क्लियर दोस्तों, अब आपने क्या करना है, किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर आपने व्हाट्सएप करना है, ये HPG की आपकी टीम का नंबर, तो यहाँ पर आप कोऑपरेटिव बैंक या फिर हिमाचल के किसी भी बैंक क्वेरीज हेल्प के लिए व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, मिस ना हो जाए एक भी क्वेश्चंस। तो फिलहाल दोस्तों, शिक्षा, जय हिंद, जय हिमाचल।